मैंने 15-20 भैंसे ला रखी है, इनको पालता हूँ मैं यहाँ पे बढ़िया से। भैंसे चल रही है भाई साहब, 40-50 लीटर दूध तो दे ही देती हैं ये। तो भाई सिलेंडर के रेट तो भाई आसमान छू रहे, क्या ही बोले मोदी सरकार का। ना इधर छुप रखे कि मेरी वीडियो ना बने। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने परिवार के साथ में और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है देशबंधु भोगड़ा और मेरे गांव का नाम है धौतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और फिलहाल मैं देहरादून में हूँ, मैं GIC मालदेवता में चीफ असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो के करते हैं शुरुआत, सुबह के 7:30 बजे। और आज हमारे विद्यालय की छुट्टी है भाई, गुड फ्राइडे की छुट्टी है। और फिलहाल मैं किचन में आ रखा हूँ और यहाँ पर अपने लिए और गोलू के लिए चाय बना रहा हूँ। बाकी हर चीज जो है वो चाय पीती नहीं है। चाय का फ्राई पैन लगा दिया है गैस के ऊपर, इसमें भाई चाय पत्ती डाल दी है। और भाई आप जब भी चाय बनाओ तो चाय पत्ती डालो और उसको बहुत अच्छे से उमालो, ताकि जो चाय का कलर है वो बहुत अच्छे से आ जाए और चाय पत्ती उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से घुल जाए, तो जो चाय पत्ती का जो रस भोग है वो एकदम बढ़िया से चाय में आ जाएगा। चलिए ये दूध डाल दिया मैंने इसमें, मदर डेयरी का बेकार सा दूध, बकवास सा दूध, अब क्या कर सकते हैं। देखो भाई चाय का कलर तो बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये लो जी चाय उमल गई। तो जी चलिए अपनी चाय हो गई है बनके तैयार, और चाय के साथ में भाई चिप्स का मजा लेंगे। तो चाय और चिप्स खाएंगे अभी सुबह सुबह। और फिलहाल अर्ची भाई नाश्ते में आलू बैंगन की सब्जी बना रही है, और ये सब्जी उसने काट ली है। भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन स्वाद नहीं है। स्वाद भाई इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली ही नहीं, चीनी डालना मैं भूल गया ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो खैर कोई बात नहीं, अब ये काम करते हैं कि ऊपर से डालते हैं इसमें चीनी। और वैसे चीनी कम ही खाई जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई चीनी से दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही है, तो वैसे चीनी अवॉइड ही करनी चाहिए। ठीक हो रही है बिना चीनी के भी, तो चिप्स खा लेते हैं साथ में। तो चिप्स चलिए चाय पीते पीते मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, ये कैसा है मौसम, कैसा है आज का। देखो भाई अर्चना इधर छुप रखे कि मेरी वीडियो ना बने। तो ऐसे में कैसी वायरल होगी मेरी वीडियो, ये तो वीडियो में आती नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो जी चलिए कुछ ऐसा कुछ है आज का मौसम का नज़ारा। भाई मौसम तो बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लियर है। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी लेकिन कल और आज बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी वाला बंधु पर। तो सभी दगड़ियों को इस पहाड़ी वाला का प्यार भरा नमस्कार। फिलहाल चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है और सुबह सुबह का टाइम है और आज छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे है। तो अभी सोचते हैं, प्लान अभी कुछ किया नहीं कि कहाँ घूमने जाया जाए। भाई देखो भाई, देखो भाई पकड़ में आ गया, वही है, यही है वो जालिम भाई जिन्होंने हमको परेशान करके रखा हुआ। इधर आ तेरी ऐसी तैसी। भाई ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं नीचे, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जा रहे भाई ये नीचे यहाँ से, और यहाँ इन्होंने ना घोंसला बना रखा है भाई, घोंसला बना रखा है और वहाँ दे रखे हैं 2-3 बच्चे। वो भाई उनकी इतनी गंद आ रही ना, वहाँ भयंकर ज़्यादा गंद आ रही, क्या ही बोले। 2-4 हमने वहाँ ओडोनिल लगा दिए ओदेज के, तब जाके थोड़ा सा गंद रुक रही है। बाकी धूपबत्ती जला रहे हैं रोज़, छोटे छोटे बच्चे हैं यार बेचारे। अब उनको हम सोच रहे थे कि बाहर कहीं पर फेंक दें, कहीं पर डाल दें, फिर दिल ने गवाही नहीं दी कि अच्छी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी वो कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे तो खुद ही उड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और बहुत ही ज़्यादा मच्छर भी आ रहे हैं वहाँ से, तो क्या कर सकते हैं यार। आजकल कुछ ऐसी मौसम हो रहा है, दिन में गर्म हो रहा है और शाम को ठीक ठाक हो रहा मौसम, न गर्म न सर्दी, बाकी रात में ठंड हो रही बढ़िया वाली। तो मतलब ऐसा कुछ आजकल का मौसम हो रखा है। बाकी अप्रैल का महीना चल रहा, तो आजकल भाई घूमने फिरने लायक बढ़िया है मौसम, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म। बाकी देहरादून में भाई पानी की तो क्या ही बात करें, तो जब मैं शुरू में आया तो सारे बाल यहाँ झड़ने लग गए थे, इतना ज़्यादा चूना है, इतना ज़्यादा कैल्शियम है पानी में। अगर भाई फिल्टर करके पानी ना पिए तो पथरी होनी तो निश्चित है, एक आध महीने में बंदे को पथरी हो ही जाएगी। अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाएगा तो उसकी पथरी ज़रूर निकल जाएगी। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो रोड हम यूज कर रहे हैं,
उस रोड में कितना ज़्यादा चूना है। बात से इसको देख के भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा चूना आता है यहाँ का पानी में। देखो इस रोड में कितना ज़्यादा चूना है। अभी नहा गए हैं और अंदर अर्चना ने बना दिया है नाश्ता। तो आलू और बैंगन की सब्जी है, तो मुझे लगा बीन्स आलू की सब्जी है, लेकिन ये आलू और बैंगन की सब्जी है बनी हुई। बाकी रोटी इसने बना दी है, ये देखिए रोटी बना दी है। तो अभी थोड़ा नाश्ता को इंजॉय करते हैं, बाकी थोड़ी देर भाई 2-3 मिनट के लिए धूप ले ही लेते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका ब्लॉग कब आता है, कब जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये क्या है मतलब कि कुछ तो बताइए कब आते हैं, कब डालते हो आप ब्लॉग। तो हाँ ये बात सच है यार कि पहले कुछ ऐसी था कि कब ब्लॉग आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ मुझे भी खुद पता नहीं रहता था कब मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, कब मैं बना रहा हूँ। लेकिन पिछले 1-2 महीने से बिल्कुल मैंने शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि कब ब्लॉग आएंगे और कब मैं ब्लॉग डालूंगा और ब्लॉग का टाइमिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन छोड़ के हमेशा एक दिन मेरा ब्लॉग आएगा, सुबह के 7:57 पे ब्लॉग आएगा। तो सुबह के 7:57 पे आपको ब्लॉग मिलेगा एक दिन छोड़ के हमेशा। तो ये टाइमिंग है, इसलिए कुछ महीनों से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। उस तो ब्लॉगिंग होती नहीं क्योंकि भाई ऑफिस भी जाना होता है और बहुत सारे काम भी निपटाने होते हैं। तो कोशिश करूँगा कि भाई एक दिन छोड़ के मैं हमेशा ब्लॉगिंग करूँ। ये 2 प्लेट लगा दिए। तो आज किसकी सब्जी है, आलू बैंगन? अच्छा बढ़िया, चलो भाई आलू बैंगन की सब्जी है। बाकी ये कैमरा को देखती नहीं है क्योंकि कैमरे से इसे बहुत नफरत है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और बाकी आज भाई हमने गैस सिलेंडर भी भरना है और गैस वाला बाहर हॉर्न मार रहा है और एक सिलेंडर हमारा ख़त्म होने ही वाला है। तो भाई उससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए हमें वो दूसरा सिलेंडर भरना ही होगा, नहीं तो भाई आफत आ जाएगी। देखते हैं महाराज किधर की तरफ है। तो ये है भाई साहब इंडियन गैस, इंडियन गैस। तो जी चलिए हमने सिलेंडर निकाल दिया है बाहर और पैसे भी निकाल दिए हैं भाई सिलेंडर भरने के लिए। बाकी देखो भाई सिलेंडर के रेट तो भाई आसमान छू रहे, क्या ही बोले मोदी सरकार का। मोदी जी भाई गरीबों के सुन लो, थोड़ा बहुत सस्ता कर लो सिलेंडर। तो जी सिलेंडर हमने भर दिया है और भाई 1350 रुपये का पड़ रहा सिलेंडर भाई साहब, क्या ही बोले बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बाकी चलो अभी नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो वही चलिए अपना नाश्ता आ गया है, बैंगन की सब्जी, आलू रोटी, चटनी और अचार। बस फर्स्ट क्लास नाश्ता कर लिया है और आलू बैंगन की सब्जी और रोटी खा ली, बहुत बढ़िया मज़ा आया। और अर्चना ने बहुत अच्छा नाश्ता बना रखा था। बाकी भाई अर्चना का मिशन सफाई अभियान, ये देखो अब बढ़िया से निरमा से धुलाई हो रही है फर्श की और अभी इसको धुलेंगे बढ़िया से। और अर्चना इसको धुलने में लग गई, बाकी इसने भाई खाना पीना खाया, ये नाश्ता भी नहीं करा, सबसे पहले सफाई करने में लग गई। चलिए मस्त खाना पीना खाने के बाद एक छोटी सी नींद ली बढ़िया सी। वैसे भाई इधर को सोया नहीं जाता क्योंकि दिन में इतने सारे लोग इधर को घूमते हैं, कोई बोलता प्याजा लो, कोई बोलता गोभी लो, कोई बोलता कुछ लो, कोई बोलता कुछ लो, कोई नहीं बोलता तो भाई कोई बोलता अचार ले लो, भाई नींद आनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहीं पर रोड पर है तो भाई इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं क्या ही बात करें। तो थोड़ा बहुत सोया हूँ और फिलहाल अभी मैं खड़ा उठ गया हूँ और अभी चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खैर अभी मैं ध्यान दूंगा कि भाई सुबह मैंने चीनी नहीं डाली थी चाय में। अभी प्लान ये है चाय पीने के बाद कि यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा ले रखा है, मतलब एक छोटा सा प्लॉट ले रखा है, वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा, अपना एक ब्लॉग भी बन जाएगा और बाकी आप लोगों को भी दिखा लूँगा और बाकी भाई देख रेख भी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि है किधर की तरफ, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा है भी कि नहीं है। बाकी भाई कब्जे बहुत हो रहे खतरनाक वाले, तो ऐसा ना हो कि मेरे भी प्लॉट में किसी ने कब्जा कर दिया हो भाई, इसलिए देख रेख करनी थोड़ा ज़रूरी होती है। तो भाई अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में और आप लोगों को भी साथ में लेके जाऊँगा कि दिखाऊँगा कि किधर की तरफ। तो जी चलिए चलने की तैयारी हो गई है, यहाँ से निकलते हैं और धन्नों को बोलते हैं भाई देहरादून की रोडों पर दौड़ने के लिए, हो जाओ तैयार। तो जी चलिए फाइनली है अपने एक छोटे से टुकड़े के पास, जहाँ पे कि आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा ले पाया। बाकी इधर यहाँ सारे मैंने 15-20 भैंसे ला रखी है, इनको पालता हूँ मैं यहाँ पे बढ़िया से और यहाँ पे मैंने एक छपरा बना रखा है। अभी मैं भैंसों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये सारे अपनी भैंसे चर रही है भाई साहब, 40-50 लीटर दूध तो दे ही देती हैं ये।
चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है वो टुकड़ा जो मैंने ले रखा है। बाकी भाई गरीब आदमी है, ले रखा है 150 गज का एक टुकड़ा। तो चलो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। बाकी एक ट्रेंड चल ही रहा है कि भाई लोग गांव से आ रहे हैं कई कई बीघे ज़मीन छोड़ के, और इधर को एक एक टुकड़ा 150 गज 150 गज बना रहे हैं। तो घर वालों ने मेरे लिए बोला भाई सभी ले रहे हैं तो तू भी ले। तो भाई उनको खुश करने के लिए तो भाई मैंने ले तो ले लिया, अरे भैंसी मारे ना मुझे, एक टुकड़ा ले ही लिया। बाकी भाई अपना दिल और दिमाग तो पहाड़ों ही में है, और पहाड़ों ही में अपना अलग ही मज़ा है। बाकी इधर क्रिकेट भी चल रहा है भाई शानदार वाला। अरे वाह गजब शॉट छोटे, गजब शॉट बढ़िया। हेलो कैसे हैं ब्रो? आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल में सारे लोग व्यस्त हो रखे हैं, और 6:30 बज रहे हैं। थोड़ी बहुत मैं भी कभी कभार मैच लगा ही लेता हूँ, तो सारे लोग टीम बनाने पर लग गए होंगे अपने। राणा जी हाँ जी लगे रहो। तो बाकी मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा वाला प्लॉट है मेरा। ये है मेरा ये प्लॉट, और ये बाकी 150 गज का है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आपको दिख रही है बाउंड्री वाल, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको दिख रहा है प्लॉट, ये वाला है अपने भाई जी का, श्री अंबिका प्रसाद बावड़ा जी का। गाइस ये जगह कौन सी है? ये जगह है नकरोंदा, और यहाँ से आगे पड़ता है 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट नकरोंदा यहाँ से काफ़ी आगे है, लगभग 2 किलोमीटर। तो अगर आपको भाई यहाँ के प्लॉट चाहिए, वैसे ये मुझे लग रहा है कि सारे सेल हो गए। तो जो सेलर था उनसे बातचीत हुई बिस्ट जी से कि भाई प्लॉट बाकी है अभी, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल तो कोई प्लॉट नहीं है बाकी, लेकिन उधर की तरफ 0 पॉइंट की तरफ प्लॉट हैं। तो अगर आपको प्लॉट चाहिए तो भाई मुझे कमेंट करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पहाड़ी वाला बंधु। इंस्टाग्राम पर जाएँ और मुझे फॉलो करें, और बाकी आपके मैसेज का रिप्लाई मैं इंस्टाग्राम में करूँगा। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको बताऊँगा। देहरादून में बहुत सारी जगह हैं, जानकारी है मुझे कि कहाँ कहाँ पर प्लॉट बाकी हैं, कहाँ कहाँ पर प्लॉट खाली हैं। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और आपको मैं अच्छे और सस्ते दामों पे दिला सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे रेट में दिलाऊँ। पहाड़ी भुला बंधु, पहाड़ी भुला बंधु, हाँ पहाड़ी भुला पहाड़ी भेजी। तो भाई बाकी यहाँ पर लौंडे बहुत मज़े ले रहे, छक्का। चलिए दगड़ियों आपके साथ बहुत सारी बातचीत हो गई, और काफ़ी सारी बातचीत मैंने आपके साथ कर ली है। बाकी यहाँ पे लौंडे लोग भाई क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, और एक बार आपको 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। बाकी भाई चारों तरफ हरियाली है, बढ़िया है, पास में एक जंगल है। तो भाई ये देखिए, कुछ टाइम पहले तक भाई पिछले साल मैंने ये प्लॉट लिया और एक भी मकान इधर को नहीं था, और अभी आप देख सकते हैं लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लगातार लोग मकान बना रहे हैं, कंटिन्यू लोग मकान बनाते जा रहे हैं। बाकी ये जो 2-4 प्लॉट खाली दिख रहे होंगे ना आपको, 2-4 तो क्या काफ़ी हैं, तो भाई ये भी कुछ ही टाइम में भर जाएंगे। ये जो भैंसे हैं ये इस भाई की है, मैं मजाक कर रहा था कि मेरी है। तो भाई साहब यहाँ पर भैंसे चरा रहे हैं ये देखिए। तो जी चलिए प्लॉट से घूम के मैं वापस रूम पर आ गया हूँ, और मेरे स्वागत करने के लिए भाई यहाँ पर कल्लू भी आ गया। तो जी चलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।